कानपुर के करौली ग्राम के मानव मंदिर लवकुश आश्रम कानपुर में लगातार 3 दिवसीय भक्त समागम एवं दिशा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 1300 लोगों ने मंत्र दीक्षा ली और लगभग 700 लोगों को तंत्र दीक्षा के लिए चयन किया गया। आश्रम के आचार्य संतोष सिंह भदौरिया व करौली शंकर महादेव ने बताया कि संस्था द्वारा देश के कोने कोने में प्रार्थना सभा एवं संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक या जोड़ते हुए रोग मुक्त किया जाएगा। साथ ही पूरे 300 प्रकार के कष्ट असाध्य रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। दरबार में मेरे आने मात्र से ही मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई, मेरी शुगर सही हो गई, लीवर में प्रॉब्लम थी वो सही हो गया सिर्फ आने मात्र से। यहाँ कोई शक्ति है जो सारी बीमारियों को सही करती है, इंसान को अच्छा बनाती है। नशा पान भी आप करते थे क्या? जी हाँ, नशा भी करता था सिगरेट का जी, वो भी छूट गई मेरी। अभी तक मैंने कोई नियम का पालन नहीं किया सिर्फ आने मात्र से। दरबार की कोई प्रक्रिया अपनाए अभी तक आप? नहीं, अभी तक कोई दरबार प्रक्रिया नहीं अपनाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।